तूने टी शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है, अपना टाइम आएगा जरा दिखा। भारत माता की जय। माता की जय। मैं पूरा भीग जाऊंगा। आधा जल्दी ले लो। हमेशा लेट करता है, आज भी लेट आया। ये कोई टाइम है आने का? क्या ये कोई टाइम है? यहाँ है हम, क्या टाइम है आने का? 17,999 रुपए का पर हेड का पैकेज है ये, क्रूज से मुंबई टू गोवा। संडे का दिन है, राइट नाउ इट्स 5 PM और हम लोग निकले हैं संडे के नजारे देखने के लिए। शेखर सर बुला रहे हैं मुझे पबजी खेलने के लिए। सर बाहर हो जरा। अरे वो दुकान वाला ऐसे देख रहा था, उसने प्लास्टिक के ग्लास दिए ना मुझे, प्लास्टिक के ग्लास अलाउ नहीं। अब चलते हैं मंजिल की ओर। गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए बस। महेश तो कितनी बार धुलवाता है गाड़ी? हफ्ते में एक बार तो ये वॉशिंग कराता है बाहर, कम से कम 150 रुपए की। बताओ, क्लीनेस इज गॉडलीनेस। लोखंडे सर जीरो कैसे बोलते थे? जीरो मुझे। इंडियंस के लिए प्राउड की बात है, मंगलयान ऐसी मूवी के लिए जरूर जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जा पाया। मैं जाऊंगा बाटला हाउस रात को 2 बजे। नासिक से निकला हूँ घोटी की तरफ, घोटी में जाके हम लोग वाटरफॉल नीचे बैठ के पार्टी करने वाले। ये प्लान 2 घंटे पहले और होता, लेकिन महेश को कुछ काम था। देखो भैया, पहले फैमिली को खुश करो फिर दोस्तों को। फैमिली फर्स्ट। जलन नाम की एक चीज होती है जो इंसान को ले डूबती है। अंदर सुनो, ने तो सोचा था हम रमेश के घर में जिग्नेश पैदा हुए, पर जब होश आया तब हमें पता चला नीलेश के घर में सुरेश पैदा हो गए। जब होश आया तब पता चला। अरे उस दिन घर पे लफड़ा हो गया यार, मैं वो होश वालों को खबर क्या, वो गाना लगा के मैं घुस गया डायरेक्ट घर में, सब सो रहे। सल्यूट मारा एक एक। सल्यूट सर, ऊपर जाओ। हुंडई की जो एक्सेंट है बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब अभी आपको इंजन की आवाज आ रही है क्या? कहीं से भी आवाज आ जाए तो बता देना कमेंट में। डीजल गाड़ी है लेकिन पेट्रोल की तरह इंजन काम करता है। अभी महेश ने गाड़ी रोकी है, हम यहाँ आयोजन शुरू करेंगे। नारियल लेके आ जाना बस एक, करेंगे पार्टी सारी रात। आज इतवार है, म्यूजिक बजेगा लाउड, एंटी पुलिस बुला लेगी। पार्टी से जाके कह दो पार्टी हुई चलेगी। शिंदे इसका टॉपिक निकला महेश का, महेश ने भी एक ऐसा ट्रैक पेंट लिया है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम कब जींस पहनी थी मेरे को पता ही नहीं। मैं आजकल इसी में रहता हूँ, कभी भी आप नोटिस करना ट्रैक पैंट रहेगी, कोई ना कोई ट्रैक पैंट ही रहेगी, और बहुत कंफर्ट फील होता है यार इसमें। डीजल अभी गाड़ी भगा ले और फटाफट अपने को ना घोटी पहुंचा दे भाई। लेकिन बस 100 से ऊपर मत जा, सेफ्टी भी जरूरी। सीट बेल्ट मैंने नहीं बांधी, इसने बांधी हुई है, अभी लगा लेता यार। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दुबई और रशिया जाने का बहुत मन कर रहा है यार। ऐसी सिचुएशन है ना, लोगों की सिचुएशन हमेशा टाइट ही रहती है। मैं उनको बोलोगे कि यार बिजनेस कैसे चल रहा है, वो बोलेगा भाई जाम है हालत, हम निकलने को कल भी निकल सकते हैं। इशू सिर्फ एक आ रहा है, फैमिली इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, शॉर्ट आउट कर लेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई, हर साल बनाना, हर साल फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। टोल कम नहीं होगा, टोल उतने लेते हैं वो, बल्कि टोल बढ़ गया है। 5 रुपए था ना पहले, 100 रुपए था, फिर 105 हुआ, अब 110 लेते हैं। और देखो रास्ता, इसी टेक्नोलॉजी लाओ ना कि मतलब एक बार रोड बने और उसके बाद वो 15 साल 10 साल चले, चाहे कितनी बारिश गिर जाए उस पे। फॉरेन कंट्रीज में क्यों ऐसा होता है, रोड से एकदम नीट एंड क्लीन, कोई भी सीजन हो, करप्शन नहीं है। हाँ, वो भी एक इशू है यार, कितनी बारिश पड़ जाए एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी रोड, कोई भी सीजन रहने दो। कोई तो यार कमेंट में इसका आंसर दो यार, ऐसा क्यों होता है भाई? मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ लाइफ में हर किसी मोमेंट में जुड़ा ही रहता है। 10 या 11 बजे आ रहा था मुंबई से नासिक, एक इतना बड़ा गड्ढा भाई, बारिश के टाइम में दिखाई नहीं, पूरा टायर है ना व्हील तो डाला था उस गड्ढे ने। अभी टोल नाका आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जेब से पैसा जाता है। एक घंटे में आप रिटर्न आओ और रिसिप्ट दिखा दो अगर आप नासिक से बाहर जा रहे हैं टोल नाके के आगे, पर ज्यादा आगे नहीं, इगतपुरी या मैक्स टू मैक्स कसा। 1.5 घंटे में आके आप रिसिप्ट दिखा के जा सकते हो। जो आप लोगों को पहाड़ दिख रहे हैं सामने, उसके बैक साइड में जाना है हमको, और वहीं हमें मिलेगा वाटरफॉल। बाहुली डैम की तरफ हम जा रहे हैं, तो उधर एक वाटरफॉल भी है। एक बार कभी गया था, मेरे को नाम भी याद नहीं था, बस मेरे को रास्ता याद था, तो मैंने महेश को बोला कि महेश चल हम लोग है ना वहां तक जाएंगे, तो इसने बोला अरे यार तूने मेरे को पहले बोला था, क्योंकि नासिक से भगूर से भी होकर रास्ता है। नहीं यहाँ कोई फोटो खींचने नहीं देगा हमें, रोड इतनी बिजी कैसे हो गई यार। अंधेरा होने से बचना है, हुआ तो कैमरे की आंखें बंद, कैमरे की आंखें बंद तो हमारी भी आंखें बंद।
काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, सारी गाड़ियाँ लाइन में जा रही हैं। यहाँ से बैक बेंचर्स हमेशा लेट होते हैं, लास्ट में धमाल मचाते हैं। बहुत सारे बाइकर्स जा रहे हैं अभी। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, फैमिली के साथ कभी भी आपको टाइम स्पेंड करना है, फैमिली को बहुत अच्छा कुछ व्यू देना है, यहाँ पे आप आ सकते हैं संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन रौनक ज्यादा रहती है, फैमिली वाले ज्यादा लोग आते हैं, फैमिली के लिए बोल रहा हूँ। पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यार, पूरा पैक है। यहाँ से नहीं वहाँ से जाएंगे, है ना मेरे साथ, सुनना इधर से रास्ता मिलेगा क्या? सारे जो मेन लोग है ना वो वहाँ से जा रहे हैं। हम हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया? लोगों ने सोचा कि कुछ अलग दिमाग लगाते हैं, हम यहाँ से चढ़ेंगे। रास्ता नहीं है ऊपर, उधर जाने का ऊपर करना आता है बाहुल टिकड़े का, बढ़ती जाएगा रास्ता है क्या इधर से? ना सेफ्टी नहीं है, पर जान पे खेल के आपको व्यू दिखाऊंगा मैं आज। महेश बस फिसल मत जाना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, देखा तूने वो यूट्यूब पे मोदी जी के साथ वो मैन वर्सेस वर्ल्ड का शो करता है बंदा, उसका एपिसोड देखा मैंने। कहाँ जंगल में आ गए? एकदम आराम से भाई, सेफ्टी जोन उस साइड है बट हम सेफ्टी जोन में नहीं आए। हाथ में मेरे साथ ये ड्रोन है जिसकी लाइट ऑन है, तो मैं बंद कर देता हूँ। गया पैर, शिंदे भीगने वाले काम नहीं चाहिए यार। गिरेंगे तो नहीं इधर से? नहीं गिरेंगे। बेटा तूने टी शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी, अपना टाइम आएगा जरा दिखा दे कैमरे में। माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। पढ़ते हो कि नहीं तुम लोग स्कूलों में? पढ़ते हो क्या? हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ। आठवीं में हो? हाँ। आप आठवीं? तुम दोनों साथ के हो गया? और तुम तीसरी में? और आप पांचवी में? गॉड ब्लेस यू, जाओ आराम से। हाँ, अगर यहाँ से स्लिप हुए भाई साहब काम होने वाला है। अगर नाक तुझे साले, तुझे नाक की टेंशन है। दत्ता तूने श्रावण रखा है ना? श्रावण रखा है ना तूने? अगर तूने श्रावण रखा है तो नाक तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। डरा रहा है तू मेरे को? अगर यहाँ से मेरा पैर स्लिप हुआ और अगर मैं नीचे गया तो पुलिस वालों को आगे जाना है हमें। ए शिंदे आराम से, आराम से, आराम भाई, मजाक नहीं, मजाक नहीं, लेकिन एक बात बोलूंगे, जितना वो बंदे वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं ना उससे ज्यादा एंजॉय अपन यहाँ करने वाले हैं, कि हम लोग आए हैं अपने रिस्क पे। जिंदा दिल, जिंदा दिल, आराम से यहाँ पे खड़ा हो जाऊं मैं, उधर मैं पूरा भीग जाऊं, आधा जल्दी ले लो, जा रहा हूँ भाई जल्दी। अरे भीग गया मैं। अरे बाप रे, कल्याण से आए हो आप? ये मैं नासिक, चैनल है यूट्यूब पे व्लॉग लाइव कर। बहुत हो गया और शाम के बज गए हैं 7, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी प्लान किया कि अभी हम लोग निकल जाते हैं। क्या महेश, क्या बोलता तू? जरूर, हमको जाते जाते नासिक 8 बज जाएंगे, तो मैंने बोला कि अंधेरा होने से पहले हम लोग निकल जाते हैं। हम नासिक से आए हैं, लोकल आए हैं और 1 घंटे के अंदर हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, तो हमको रिटर्न में भी 110 रुपए देने नहीं पड़ेंगे। फाइनली आ गए भाई रोड पे, बहुत एंजॉयमेंट किया, बहुत भीगने के बाद पैरों में ठंड लग रही है, नीचे का हीटर एसी लगा रखा है और गरम गरम मैगी मंगाई है। नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दो। बाहुली डैम इगतपुरी नासिक के पास, टोल नाका छोड़ती है आपको लेफ्ट टर्न लेना है 1.5 किलोमीटर के बाद।